चीन और भारत के बीच में जो डिसएंगेजमेंट का पूरा घटना जो पूरी एक पूरी प्लानिंग हुई थी जिसका अनाउंसमेंट अभी कुछ दिन पहले किया गया था उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों की वापसी का काम पूरा हुआ है, स्थानीय कमांडर के स्तर पर बातचीत जो है वो चलती रहेगी। वहीं अगर डेमचौक और डेपसांग इलाके में की बात करें तो यहाँ पर से टुकड़ियों की जो वापसी है वो पूरी हो गई है। कल सैनिकों के बीच बांटी जाएंगी दिवाली की मिठाई भी, तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी कि साथ साथ एक दूसरे के तरफ जो इस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे कि एक दूसरे की मदद मिले और भारत और चीन के बीच में तनाव जो है वो थोड़ा कम हो, उसको देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी इस पूरी पहल का स्वागत किया है। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में जाने से पहले ये घोषणा की गई थी कि भारत और चीन ने यहाँ पर डिसएंगेजमेंट का, लद्दाख का जो इलाका है वहाँ डिसएंगेजमेंट का जो पूरा प्लान है उस पर सहमति बन गई है। और अब बताया जा रहा है कि दोनों फौजों के जो सैनिक हैं, जो अतिरिक्त टुकड़ियाँ वहाँ पर भेजी गई थी, चाहे वो डेमचौक का इलाका हो या डेपसांग का, वहाँ से उन टुकड़ियों की वापसी पूरी हो गई है। और कल सैनिकों के बीच में मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी। जल्द ही शुरू होगा, अब जो पहले की तरह 2020 के से पहले की जो स्थिति थी जहां पर दोनों देश की सेनाएं अपने अपनी परसीव लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर गश्त लगा सकते थे, वो भी काम जल्द ही शुरू होने वाला है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण कदम दोनों देशों के बीच में। राजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये जो डिसएंगेजमेंट की जो पूरी प्रोसेस है उसका कम से कम शुभारंभ हो गया है, महत्वपूर्ण कदम दोनों देशों के बीच में तनाव को कम करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अप्रैल 2020 के बाद जो है जिस तरह से भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जिस तरह से तनाव हुआ था, हालत बिगड़े थे, अब मान सकते हैं कि कुछ शुरुआत हो गई है। खासतौर से डेमचौक और डेमसांग जो जगह थे जहां पर गतिरोध बना हुआ था, उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ था 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि पहले यहाँ से डिसएंगेजमेंट होगा। डिसएंगेजमेंट का सीधा मतलब ये है कि दोनों देशों की सेनाएं जो आमने सामने खड़ी थी अब वो आमने सामने नहीं खड़ी होगी हुई है, अब बल्कि कुछ दूर खड़ी हुई है। और इस दौरान जो दोनों सेना, दोनों देश की सेना जो आमने सामने हुए थे, जो अस्थायी ढांचा बनाए थे, चाहे तंबू की बात कर लीजिए चाहे अस्थायी ढांचा की बात कर लीजिए, उनको भी तोड़ दिया गया है। ढांचा की बात कर लीजिए उनको भी तोड़ दिया गया है। तो यानी अब ये मान सकते हैं कि जो फ्रिक्शन पॉइंट थे, पूर्वी लद्दाख की बात करें, चाहे इसके अलावा डेमचौक की बात करें, देवसांग की बात करें, उसके अलावा चार जो फ्रिक्शन पॉइंट थे जहां गतिरोध हुआ था, गलवान, पेंगसोंग लेक, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, सभी जगहों पर जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी अब इन सारे जगहों पर सेनाएं अब आमने सामने नहीं है। यहाँ पर जो अब जो लोकल कमांडर के लेवल का, अगर देवसांग की बात करें, डेमचौक की बात करें, यहाँ लोकल लेवल के कमांडर की मीट होगी और जल्दी वेरिफिकेशन का काम खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी उस जगह पर शुरू होगी जहाँ अप्रैल 2020 वाली स्थिति जो है बहाल होगी। बहाल होने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाएं जो पेट्रोलिंग शुरू करेगी और इसके बाद जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो प्रक्रिया जो शुरू होगी वो डिस्कलेशन कहलाता है। डिस्कलेशन का मतलब ये होता है कि जो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी थोड़ी पीछे हटिए और पीछे हट जाएगी और उसके बाद अंत में जाके जब दोनों देशों के बीच में एक विश्वास का माहौल पैदा हो जाएगा, एक शांति सरहद पर बन जाएगी, तो डीइंडक्शन हो जाएगा। यानी अप्रैल 2020 से पहले दोनों देशों की सेनाएं जहां कहीं भी थी वहां वापस चली जाएगी। सैनिकों का जमावड़ा कम से कम पूर्वी लद्दाख में नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। इस पूरी जानकारी के साथ राजीव जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से लद्दाख में जो आमने सामने की, बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन वाली स्थिति थी, अब वो वहाँ से दोनों देश कुछ कदम पीछे खींच रहे हैं और कम से कम तनाव को कम करने में इस एक बड़ी पहल भारत और चीन के बीच में।